सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री रूम लर्नर अड्डा। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो जैसे हमने चैप्टर मोशन किया, जैसे चैप्टर हमने फोर्स किया, उससे हमने पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड किए टॉपिक वाइज, उसके बाद हमने उसमें लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स किए, वैसे ही सेम टाइप हम इस चैप्टर को भी कवर करने वाले हैं। पहले हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे चार लेक्चर्स टोटल होने वाले हैं। पहला वर्क, दूसरा एनर्जी, तीसरा पावर और चौथे वाले में न्यूमेरिकल रहेगा। वर्क एनर्जी पावर के जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उस सारे टॉपिक्स के हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे फोर्थ वीडियो में। बाकी उसके पहले तीन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा पूरा वर्क के बारे में, डिटेल उसके बारे में समझेंगे, जो भी वर्क होता क्या है, वर्क की यूनिट्स क्या होती है, वर्क कैसे काम करता है, कैसे फोर्स लगता है, कैसे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वर्क हमारा, सब कुछ इसमें हम लोग डिटेल वाइज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो देखिए वर्क होता क्या है। वर्क देखिए, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा वर्क है, बहुत ज्यादा काम हमारे पास, वर्क का बहुत ज्यादा लोड है हमारे पास। तो हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं वर्क का, मतलब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि इन ऑर्डिनरी वी रिलेट वर्क विद फिजिक्स, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। हम फिजिकल और अपने मेंटल एबिलिटी से उसको डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितना वर्क है, ज्यादा काम है कि नहीं काम है। तो देखिए, लेकिन फिजिक्स में ऐसा काम नहीं चलता है। फिजिक्स में इसका कुछ अलग ही रूल है वर्क के लिए। फिजिक्स में जब तक हमारी एक बॉडी मोशन में ना आ जाए, हम उस पर एनर्जी लगा रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, उस पर एनर्जी लगाई जा रही है लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है मोशन उस बॉडी के अंदर। जैसे मैं इस दीवार को अभी बहुत ही ढेर सारे फोर्स के साथ इस पर मैं अपनी एनर्जी लगाऊं, इसको पुश करना चाहूं, तो ये हिलेगी नहीं दीवार, आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिजिक्स की भाषा में ये दीवार के ऊपर मैं जितनी भी एनर्जी लगा रहा हूं वो सब वेस्ट हो रही है, वर्क मेरा जीरो हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेके मैं क्या करूंगा, उस पर हल्का सा फोर्स लगा के मैं उसको खींचूंगा, तो उस पर मेरी जो एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ उसके थ्रू जो उस पर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है छोटे से ऑब्जेक्ट में, वहां पे फिजिक्स की भाषा में वर्क होगा। यानी कि फोर्स आप लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन भी आना चाहिए, तभी वो वर्क कहलाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है, इन फिजिक्स वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, व्हेन अ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जैसे हॉर्स पुलिंग कार्ट, हॉर्स क्या करता है, एक कार्ट जो होता है पीछे लगा रहता है उसको खींचता है। बैलगाड़ी आपने देखी होगी जो उसके ऊपर बुलक कार्ट लगाता है पीछे, उसको खींचता है। फिर इंजन मूव्स द ट्रेन, जैसे एक इंजन रहती है, इंजन की पावर से ट्रेन की जितनी भी ट्रॉलीज रहती है ना सब वो पीछे आती है, जितने भी वैगन होते हैं इंजन की पावर की वजह से वो खींचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे ट्रेन का इंजन मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वर्क कर रहा है। अब यहाँ मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि जैसे एक आदमी या हो गया, आप ही हो गए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हो, तो चढ़ते वक्त आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी सब कुछ नीचे अपनी तरफ खींचती है और हम उसके अगेंस्ट काम करके ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो ये होता है वर्क का। ऑर्डिनरी भाषा में कैसे वर्क समझते हैं, बहुत हमारे पास काम है तो हम लोग करें बहुत ज्यादा वर्क हमारे पास। लेकिन फिजिक्स में क्या वर्क होता है, मैंने आपको बता दिया कि फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी के अंदर मोशन आना चाहिए, तभी हमारा वहां पे वर्किंग कहलाएगा। देखिए, तो वर्क की यहाँ पे डिफिनेशन क्या होती है समझ लेते हैं, कि व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन फॉर डूइंग वर्क, एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। यानी यहाँ पे बोल ये रहा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी यूज होती है एक काम करने के लिए, और वो जितनी जितना काम हम लोग करते हैं उतनी ही एनर्जी हमको ये लगानी पड़ती है। आप 5 जूल एनर्जी लगा रहे हो तो आपको वर्क डन कितना मिलेगा, 5 जूल ही मिलेगा, राइट। तो वर्क डन जितना हुआ रहता है उसी की इक्वल एनर्जी होती है। वर्क डन हमारा हुआ है 5 जूल, तो एनर्जी भी यूज जब होगी 5 जूल, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। वही सेकंड में लिखा है कि व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स की भाषा में डिफिनेशन क्या है इसकी। तो फिजिक्स की भाषा में इसकी डिफिनेशन कुछ इस टाइप की है कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि बोल क्या रहा है कि वर्क डन तब होगा जब हम एक किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे एक मार्कर है, मार्कर के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक पॉइंट ए से मूव करके मैंने इस पे फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से पॉइंट बी तक मूव करके आया, पॉइंट ए पे मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, इस फोर्स वजह से ये पॉइंट बी तक मूव करके आया। तो जो फोर्स लग रहा है इसको और जो पॉइंट ए से लेके बी तक डिस्टेंस मूव किया एस, तो फोर्स एफ और डिस्टेंस एस का जो प्रोडक्ट होगा वही मेरा वर्क डन होगा। यानी जैसे देखिए यहाँ पे मेरा एक बॉडी है, बॉडी यहाँ से ए बी मान लेता हूँ, बॉक्स यहाँ पे मेरा रखा है, इनिशियल पोजिशन उसकी यही थी, अब यहाँ से मैंने फोर्स लगाया इसको, एक फोर्स इसको क्या किया मोशन इसके अंदर प्रोड्यूस किया, तो मोशन की वजह से वो अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया बॉक्स, तो इसके यहाँ पे डिस्टेंस इसने मूव किया एस, डिस्टेंस मूव किया, फोर्स एफ लग रहा था, तो इसका वर्क डन क्या होगा, इसका वर्क डन हो गया। यहाँ पे जो वर्क निकलेगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड, ये डिस्टेंस मूव किया इसने, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव जो होगा ये मेरा वर्क डन हो जाएगा। एफ डिनोट करता है फोर्स को और एस जो डिस्टेंस, एस जो डिनोट कर रहा है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है,
वर्क डन दो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मेनली यहाँ पे दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं और उन्हीं पे मैक्सिमम टाइम डिपेंड करता है। तो देखिए पहली चीज बात होगी कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, जो बॉडी मूव करने वाली है आप उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो ये डिपेंड करता है कि नहीं। फोर्स 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोशन प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, दूसरा फैक्टर देखिए डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। जैसे मेरा ये बॉडी था, बॉडी एस डिस्टेंस मूव किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ये डिस्टेंस कितना बड़ा है कितना छोटा है इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा मोशन का कहते हैं कि वर्क डन कितना निकल के आएगा और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड और इन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में मूव कर रहा है। डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो आपको इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालना है, ना कि अपोजिट में, अपोजिट वाले नहीं लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लेंगे कि जिधर फोर्स लग रहा होगा उसी साइड हमारा मूवमेंट हो बॉडी का, ठीक। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला था W इंटू एफ इंटू एस, W इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स जो होता है यूनिट वो न्यूटन होती है, एस जो है वो डिस्टेंस उसका होता है मीटर। तो W इक्वल टू फोर्स इंटू सेकेंड, यहाँ पे आपका हो जाएगा W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। और SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट होती है जूल इसकी, जो कि कैपिटल J से रिप्रेजेंट होती है। तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क डन तब कहलाएगा जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा और जो हमारा बॉडी है वो 1 मीटर तक प्रोड्यूस मोशन होगा उसके अंदर, है ना। 1 जूल ऑफ वर्क डन तब कहलाएगा जब हमारा 1 न्यूटन ऑफ फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई होगा और वो बॉडी 1 मीटर मूव करेगी, एक डिस्टेंस जो होगा 1 मीटर मूव करेगी और फोर्स कितना अप्लाई होगा 1 न्यूटन, तब जाके हमारा 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा। ये तो हो गया हमारा 1 जूल ऑफ वर्क डन। अब देखिए ये हमारा जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वो मैग्नीट्यूड ही शो करती है, वर्क जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जब हम एक बॉडी हमारा है, बॉडी को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमने एक डिस्टेंस एस के थ्रू मूव करवाया, उस पर फोर्स एफ अप्लाई हो रहा था, तो जब हमारा एक क्या कहते हैं बॉडी को हम लोग ग्राउंड पे मूव कराते हैं तो वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड और सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच रहता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, ये जब मूव करते हैं तो इनके बीच में क्या आता है, फ्रिक्शन लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारा बॉडी अगर मूव कर रहा है तो पीछे उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि ये जो बॉडी मूव कर रही है तो वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क अगेंस्ट, वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे हमारा बॉडी मूव करता है, अगर ग्राउंड पे वो आगे प्रोड्यूस कर रहा है मोशन के थ्रू, आगे मूव कर रहा है, राइट। और जब हम स्टेयर्स पे चल रहे होते हैं तब क्या होता है, जब हम स्टेयर्स पे चल रहे होते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे वर्क डन कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे जैसे ग्रेविटी हमको नीचे खींचने की कोशिश करती है, राइट। सबको पता है ग्रेविटी ऑलवेज ट्राई टू पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पुल करती है, लेकिन हम यहाँ पे स्टेयर्स थ्रू क्लाइम करके ऊपर जा रहे हैं, यानी ग्रेविटी के तो हम लोग अपोजिट काम कर रहे हैं, तो ग्रेविटी हमको नीचे खींचना चाहेगा, तो यहाँ पे वर्क डन किसके कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्क डन हम ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कि वर्क डन इक्वल टू वेट इनटू हाइट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इनटू हाइट, ग्राउंड से कितना ऊपर वो है, राइट, ग्राउंड से कितना ऊपर वो है। लाइक एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स है ग्राउंड पे, राइट, ग्राउंड पे यहाँ पे एक बॉक्स है ग्राउंड पे, अब मैं इसको एच हाइट ऊपर लिख गया, राइट, एच हाइट ऊपर आ गया, अब ये बॉक्स में यहाँ पे रख दिया हूं इसको, यहाँ पे आ गया है और इसका जो मास है वो एम मास है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी वेट इक्वल हो जाएगा, राइट। तो एम जी वेट इंटू हाइट, ये होती है हमारी वर्क डन जब हमारा एक बॉडी ऊपर लेके चले जाते हैं हम उसको, मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अब अगेंस्ट काम करवाने के लिए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ नीचे पूर्ण कर रही होती है और उसके अगेंस्ट हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं एच हाइट से, तो इसका जो वर्क डन निकल के आता है वो निकल जाता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच, जो को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यही होता है। आगे एनर्जी में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे वहां पे। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो इस वीडियो का लास्ट पार्ट और लास्ट टॉपिक है कि यहाँ पे वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली
ऑब्लिकली मतलब कि यहाँ पे क्या समझेंगे, जैसे आपने बचपन में क्या किया होगा कि खिलौना में एक आपकी कार रही होगी, कार में आपने आगे रस्सी बांध दी और उसको पकड़ के हम लोग खींच रहे हैं और वो फोर्स हमारा क्या लग रहा है, फोर्स हमारा ऑब्लिकली लग रहा है और हमारी कार यहाँ पे, कार हमारी ऐसे मूव कर रही है, फोर्स हमारा देखिए, फोर्स हम इसे धागे से ऊपर बांधे हुए हैं, अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, यहाँ पे हाथ में पकड़े हुए हैं और हमारा यहाँ पे कार है, तो हम यहाँ पे इसको खींच रहे हैं, सामने से बांध दिए, खींच रहे हैं, आगे मूव कर रहा है, यहाँ से हमने इसको खींच लिया और आगे मूव कर रहा है ये, तो ये फोर्स देखिए ऑब्लिकली मूव कर रहा है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, फोर्स ऑब्लिकली लग रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ये कैसे हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। क्योंकि अब तक हमने क्या देखा है, अब तक हमने देखा है कि हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा था, बट यहाँ पे अब फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है और जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक बॉडी है, बॉडी ऑब्लिकली फोर्स लग रहा है और हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे हो रहा है, सामने हॉरिजॉन्टली की तरफ हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो ये एक्चुअली इसका फोर्स जो लग रहा है उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है जो है एफ कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या होता है ये आपको क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा, राइट। तो देखिए एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है और यहाँ पे थीटा जो होता है वो एंगल होता है, यानी कि जो आगे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा एफ कॉस थीटा है वो, और ये फोर्स जो है इसका कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा, ठीक है, और जो थीटा है ये इस फोर्स के बीच में और इसके कंपोनेंट के बीच के फोर्स का एंगल है, क्या है, एंगल है, ये फोर्स और फोर्स के कंपोनेंट एफ कॉस थीटा के बीच का एंगल है थीटा, देखिए मैंने ड्रॉ किया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए होती क्या है, जो कि मेनली आपको डील करने को मिलेगा यहाँ पे 0 डिग्री का और 90 डिग्री का, 90 डिग्री पे 0 और cos 0 डिग्री पे 1 होती है, बाकी तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सारी वैल्यूज लिख दी हैं, एग्जाम में कुछ भी दे देगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देकर रखा रहेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आती है तो उसका वैल्यू क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगी कि cos थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे जो नॉर्मली होती है वैल्यूज, जो कॉमन वैल्यूज है वो मैंने लिख दी है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। cos 30 की अंडर रूट 3/2, cos 45 की 1/ अंडर रूट 2, cos 60 की 1/2, cos 90 की 0 एंड cos 0 की 1 होती है, राइट। तो देखिए इसी के ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका कुली होते हैं, कुली अपने सर पे दिन भर वेट लिए रहते हैं, बहुत ज्यादा हैवी वर्क करते हैं, लेकिन अगर वो अपने वेट पे, अपने सर पे वेट रख के दिन भर खड़े रहे तो हम कहेंगे काफी ज्यादा काम कर रहा है ना, कि बहुत ज्यादा मेहनती है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ही इज डूइंग ओवर, वो जहां पे खड़ा है या फिर खड़ा होकर चल भी रहा है तो उसके ऊपर वेट है ना, एक उसके ऊपर वेट है, वेट के ऊपर वो 90 डिग्री फोर्स लगा रहा है, उसके बॉडी क्या लगा रही है, उस वेट पे 90 डिग्री फोर्स लगा रही है ना, और वो वेट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और आगे पीछे मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यानी दिन भर खड़ा रहे या फिर लेके चलता रहे वो हमेशा जीरो वर्क करेगा। कैसे जीरो वर्क करेगा, क्योंकि हमारा जो एफ कॉस थीटा है वो 90 डिग्री निकल के आ रही है, ठीक है, जो है 90 डिग्री निकल के आ रहा है, तो एफ कॉस थीटा ही 90 डिग्री हो गई और कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू होती है जीरो, यानी कि यहाँ पे हमारा देखिए जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे वर्क का, तो वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, हमारा ये होता है फॉर्मूला एफ कॉस थीटा इंटू एस, और कॉस थीटा ही हमारे यहाँ पे थीटा कॉस थीटा 90 हो गया, तो हो गया है वैल्यू जीरो, तो अगर कॉस थीटा जीरो, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, एक वैल्यू जीरो यानी पूरा पूरा वैल्यू जीरो, और पूरा वैल्यू जीरो नहीं मतलब कि वर्क जो है मेरा वर्क डन भी जीरो, तो कुली दिन भर लेके एक जगह वेट खड़ा रहा या फिर दिन भर लेके वो एक वेट अपने सर पे लेके घूमता रहा, तो हम वहां पे क्या कहेंगे, वहां पे वो कितना वर्क कर रहा है, जीरो वर्क कर रहा है। और जैसे हम स्टेयर्स पे मूव करते हैं, स्टेयर्स पे भी हम लोग मूव करते हैं एक एक कदम करके, वो भी क्या होता है, हम उससे जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, तो जब हम लोग स्टेयर्स पे चल रहे हैं तो जो हम लोग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं वो भी जीरो है, क्या है, वो भी जीरो है, ठीक ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, और एग्जांपल हो गया आपका जीरो वर्क डन। देखिए जब हमारा क्या होता है, प्लैनेट हमारा, और जब यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स होती है ना, सैटेलाइट्स मूव करती रहती है राइट अराउंड द अर्थ, इस सैटेलाइट पे क्या हो रहा है, ये तो सैटेलाइट है और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, किसका, अर्थ का, अर्थ का यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, वो भी 90 डिग्री पे लगता है, वो भी किस पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं इन ऑर्बिट्स में अर्थ के अराउंड, उन पे भी लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ इज जीरो, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में राइट, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ पे भी हमारा वर्क डन कितना हो रहा है, जीरो। तो ये कुछ चीजें थी आपको समझने के लिए थी। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा फोर्स लग रहा है एक डायरेक्शन में लेकिन मोशन इसके अपोजिट में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन मोशन उसके अपोजिट में हो रहा हो, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, मोशन इधर की तरफ हो रहा है,
इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, यानी नेगेटिव साइन की यहाँ क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन की शो करने का मतलब ये नहीं कि जो मेरा फोर्स है वो नेगेटिव हो गया, मैं 10 न्यूटन लगा तो माइनस टेन न्यूटन लगेगा, ऐसा बोलने का तरीका नहीं है मेरा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये माइनस जो साइन शो कर रहा है इट शोज द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ भी ये माइनस शो कर रहा है, ये साइन शो कर रहा है नेगेटिव की, जो मेरा फोर्स लग रहा है और जो मोशन हो रहा है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस शो कर रहा है, ये नहीं शो कर रहा है कि 5 न्यूटन से -5 न्यूटन फोर्स लगने लगा है, ऐसा नहीं बोल रहा है ये, समझे ना आप। अब देखिए पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, पॉजिटिव वर्क डन होता है हमारा जब हमारा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगे उस डायरेक्शन में हमारा बॉडी का मूवमेंट हो, ये डायग्राम में तुम देख रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में आपका बॉडी का मूवमेंट हो तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन में जिधर आपका फोर्स लगे उसके अपोजिट में आपका क्या हो, मोशन ऑफ बॉडी का, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में आपका बॉडी का मोशन हो। जीरो वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन होता है कि अगर आपका बॉडी रखा है बॉडी के ऊपर से नॉर्मली फोर्स लगे या फिर परपेंडिकुलर कर लीजिए परपेंडिकुलरली फोर्स लगे या फिर नॉर्मली फोर्स लगे, और या फिर आपके बॉडी रखा हुआ है बॉडी के नीचे से परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली फोर्स लगे, तो 90 डिग्री पे लग रहा है यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे लग रहा है तो जीरो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, वही जीरो वर्क डन आपको निकल के आता है इस सेटेलाइट में भी, यहाँ पे भी वही काम हो रहा होता है कि 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है तो जीरो वर्क डन निकल के आता है, जो सेटेलाइट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सेटेलाइट मूव कर रही है वहां पे भी वर्क डन जीरो निकल के आता है, है ना, तो मैंने वही बोला ना जीरो वर्डन हो रहा है यहाँ पे। सो ये था पूरा मेरे वर्क के बारे में पूरा लेक्चर, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में एनर्जी के बारे में, फिर पावर, फिर न्यूक्लियस वाली वीडियो जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, जय हिंद।